हेलो ऑल एंड वेलकम टू रिकॉग्निशन आईएएस। हम लोग देख रहे थे मैप मेकिंग क्लासेस, तो स्टार्ट करते हैं हमारा आज की क्लास। स्टार्ट करने से पहले जो लोग भी नए हैं उन लोगों के लिए दिस इज आवर कॉन्टैक्ट डिटेल्स, जिसको आप लोग अपने डाउट रेज करने के लिए पूछ सकते हैं। इसके अलावा टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दी गई है, वहां से आप जाकर के उसको ज्वाइन कर सकते हैं, जहां से आपको सारे मटेरियल्स वगैरह अवेलेबल हो जाते हैं। स्टार्ट करते हैं हमारी आज की क्लास, और स्टार्ट करने से पहले अगेन दीज आर आवर अवेलेबल कोर्सेज, जिसको आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं, सेपरेट प्लेलिस्ट दी गई है, इसको आप लोग यूज कर सकते हैं अपने प्रिपरेशन के अकॉर्डिंग। इसके अलावा वी कैन ऑल्सो सब्सक्राइब अस फॉर टेस्ट सीरीज, दीज आर द अवेलेबल टेस्ट सीरीज, जिसको आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हैं। अब आज के हम लोग लोकेशन देख लेते हैं। टुडे इज डे 5 एंड वी आर गोइंग टू लुक इन टू द सम ऑफ द लोकेशन जो की इंपॉर्टेंट होती है हमारी जीएस एज वेल एज ज्योग्राफी ऑप्शनल के लिए। तो हमारे लोकेशंस बालाघाट हो गई, नीलगिरी हो गई, नल्ला मल्ला, पालकोंडा, वेलिकोंडा, जावदी, पचामलाई हिल्स, दंडकारण्या, तमिलनाडु अपलैंड्स एंड शेषचालम हिल्स, इसके बारे में मैंने आप लोग को लास्ट क्लास में दिया था। काफी लोगों ने आंसर्स मुझे भेजे, अच्छा लगा देख करके। कई लोगों ने आंसर्स मुझे चेक किए, ठीक थे, अच्छे थे, ठीक है। बाकी वर्क आप लोग करते रहिए, काफी अच्छा आप लोग कर रहे हैं। स्टार्ट करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल लोकेशंस देख लेते हैं इन सब की, फिर उसके बाद हम लोग इसके 30 वर्ड्स देखेंगे आखिर में क्या चीज है। तो फटाफट आप लोग भी एटलस ओपन कर लीजिए, दिस इज आवर एटलस एंड दीज आर आवर लोकेशंस। इसको थोड़ा सा और जूम कर लेते हैं ताकि और क्लैरिटी आ जाएगी। तो देखिये यहाँ पर देखिए, फर्स्ट लोकेशन बालाघाट हो जाती है, जो आप लोग देख सकते हैं कि वेस्टर्न घाट के पास में हो जाती है। दिस इज बेसिकली अ पास, एक पास है, बालाघाट रेंज भी आप बोल सकते हैं। इसके अलावा यह हमारी दंडकारण्य है, जो कि फॉरेस्ट रीजन भी है और हमारी पहाड़ी भी है, हिल्स भी है, जो कि बेसिकली आप देख सकते हैं कि ये छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और झारखंड के बॉर्डर पे आ जा रही होती है। इसके अलावा नल्ला मल्ला हिल्स है, पालकोंडा रेंज है, पालकोंडा रेंज के जस्ट बगल में यहीं पर शेषचालम हिल्स भी है। लोकेशंस यहां पर नहीं दी है, आप इसको लोकेट कर लीजिएगा, सारी चीजें लोकेशन एटलस में नहीं दी जाती है। इसके अलावा अभी देखिए ये इंडिया का मैप है, आप सेपरेट आंध्र प्रदेश के मैप में जाकर के शेषचालम को देख सकते हैं। मैं कहूंगा एटलीस्ट एक बार जाकर के वहां पर आप देख लीजिए, लोकेशन इंपॉर्टेंट है। बालकोंडा रेंज जाती है, फिर जावदी हिल्स है, देन हमारी नीलगिरी हिल्स है, और नीलगिरी हिल्स के ही बगल में तमिलनाडु बॉर्डर के अंडर में पचाईमलाई हिल्स भी है। लोकेट आप लोग कर लीजिए, यहां पर दिया नहीं है और सेपरेट मैप में भी आपको नहीं दिया होगा। अन्नामलाई हिल्स है, लोकेट कर लीजिए। इसके अलावा कुछ और भी कार्डमम हिल्स वगैरह हैं, ये हम लोग नेक्स्ट क्लास में अपने देखेंगे कि क्या चीज है। तो दीज आर आवर लोकेशंस, अगर इसकी थोड़ी सी 3D फील लेने के लिए देखी जाए अगर, तो देखिए ये है हमारा अर्थ। अर्थ में यहाँ पर हमारी आ जाती है ग्रेट इंडिया, और इस ग्रेट इंडिया में अगर आप जाएंगे और यहाँ पर देखेंगे तो आंध्र प्रदेश में, आंध्र प्रदेश नहीं, पचामलाई हिल्स देखिए, आप देख सकते हैं कि दिस इज अंडर तमिलनाडु। इसके अलावा अगर देखेंगे तो ये हमारा आंध्र प्रदेश हो जाता है, आंध्र प्रदेश के बॉर्डर एरिया में जब आप जाएंगे तो आपको इसी यहीं पर आसपास मिल जाएगा हमारी लोकेशन सारी, शेषचालम वगैरह यहीं पर मिल जाएंगी आपको, क्लियर है। हालांकि आपको देखिए मैप्स की इतनी जरूरत नहीं है, आप केवल और केवल स्टिक टू द एटलस रहिए, बाकी इसके बाद लोकेशन हम लोग सारी कर ही रहे हैं। इसके बाहर आपको कोई लोकेशन नहीं मिलेगी एग्जामिनेशन में, दैट इज फॉर श्योर। स्टार्ट करते हैं वापस से अपने और 30 वर्ड पे आ जाते हैं। तो देखिये ये हमारी लोकेशन है, इसको हम लोगों ने देख लिया। सबसे पहली लोकेशन बालाघाट के बारे में देखी जाए तो देखिए दिस इज अ सीरीज ऑफ हिल इन वेस्टर्न महाराष्ट्र स्टेट, जो कि वेस्टर्न इंडिया में आ जाती है। ओरिजिनेटिंग इन द वेस्टर्न घाट एट द हरिश्चंद्र रेंज, देखिए हरिश्चंद्र रेंज ऊपर ही आपको बना हुआ मिलेगा, इससे लोकेशन वेस्टर्न घाट में यहां से स्टार्ट होती है एंड साउथ ईस्टवर्ड जा रही होती है, अबाउट टू बॉर्डर महाराष्ट्र और कर्नाटक का बॉर्डर बना रही होती है। नीलगिरी हिल्स के बारे में बात करें, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट इन टर्म्स ऑफ इन्वायरमेंट, पार्क वगैरह के बारे में काफी इंपॉर्टेंट रहेंगी, हम लोग इसके बाद जस्ट वही देखेंगे। माउंटेनियस रीजन ऑफ तमिलनाडु, रीजन तमिलनाडु क्या, इनफैक्ट ये तीनों के बॉर्डर पे है, कर्नाटक तमिलनाडु एंड केरल के बॉर्डर एरिया में पड़ जाता है, जंक्शन पे है ये। द पीक ऑफ नीलगिरी राइज एब्रप्टली फ्रॉम सराउंडिंग प्लेन वेयर दूधा बेटा इज द हाइएस्ट पॉइंट इन तमिलनाडु, द हिल्स आर सेपरेटेड फ्रॉम कर्नाटका प्लेटू बाय द नोयार रिवर, दिस इज इंपॉर्टेंट, नोट करके रखिएगा। ये रिवर्स वगैरह इतनी ज्यादा न्यूज में भी नहीं रहती हैं और दूसरा इसकी लोकेशन भी नहीं होती है, बट स्टिल दीज आर इंपॉर्टेंट रिवर्स एंड फ्रॉम द अन्नामलाई एंड पलानी हिल्स बाय द पालघाट गैप, तो ये काफी लोकेशन इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग लिख लीजिएगा अपने यहाँ पे। नल्ला मल्ला के बारे में देखिए, दिस इज अ पैरेलल हिल एंड वैली ऑफ ईस्टर्न घाट इन ईस्टर्न आंध्र प्रदेश स्टेट सदर्न इंडिया,
located south of Krishna River, Hand Hill runs north to south, parallel to Coromandel coast on the Bay of Bengal. The range is basically evolved at the time of Archean age and does have quartzite remains. तो देखिए यहाँ पर बेसिकली हम लोग कर क्या रहे हैं, पहले हम लोग इसकी लोकेशन को देख रहे हैं, ज्योग्राफिकल लोकेशन इसकी क्या है, फिर अगर आसपास कोई रिवर वगैरह है तो रिवर का नाम भी लिख दे रहे हैं, या तो रिवर लिख रहे हैं या फिर कोई इंपॉर्टेंट हिल है या फिर कोई प्लेटू है उसके बारे में आप लिख सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको जियोलॉजिकल टाइम स्केल से पता चल जाता है कि ये कहाँ की रॉक है तो एक अंदाज करके भी आप इसको लिख सकते हैं, यहाँ पर काफी इंपॉर्टेंट और काफी अच्छे मार्क्स लेते आएंगे आप। इसके अलावा कुछ अदर इंपॉर्टेंस अगर आपको पता रहे तो आप ये इंपॉर्टेंस लिख सकते हैं। दीज आर सम फोर डिटेल्स जिसके बेसिस पे आप अपनी चीजों को लिख सकते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं, वेलीकोंडा के बारे में देखेंगे। तो वेलीकोंडा हिल्स, हालांकि लोकेट मैंने नहीं करवा पाया वहां पे, लेकिन आप देख सकते हैं कि दिस इज साउथ ईस्ट आंध्र प्रदेश स्टेट में पड़ती है। द हिल्स ट्रेंड नॉर्थ टू साउथ एंड फॉर्म द ईस्टर्न फ्लैंक ऑफ ईस्टर्न घाट which at that point are strongly folded and faulted. They are assumed to be elevated in Cambrian age. So, ये Cambrian age में बनी हुई है। पालकोंडा के बारे में बात करें तो series of range in southern आंध्र प्रदेश state. ये southern आंध्र प्रदेश state में अभी हम लोगों ने देखा भी, the hill trends northwest to southeast and form the central part of eastern state. Geologically, they are Cambrian age के mountain हो जाते हैं। जावती हिल, देखिए इन सारे लोगों पे आप एक इंपॉर्टेंट चीज लिख सकते हैं कि यहाँ पर शेड्यूल्ड ट्राइब काफी ज्यादा पाई जाती हैं और ये पूरे के पूरे इलाके शेड्यूल्ड ट्राइब या फिर बोल सकते हैं शेड्यूल 5 में लिखे हुए हैं ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, जावती के बारे में, रेंज ऑफ हिल्स वन अमंग द लार्जर वंस इन ईस्टर्न घाट नदन तमिलनाडु। द हिल आर स्पेशली पॉपुलेटेड वेयर ग्रेन्स legumes and oil seeds are important crops. बाकी इसके बाद पचेमलाई के बारे में है कि तमिलनाडु में है, देखा हम लोगों ने eastward extension of eastern घाट in the north east तमिलनाडु uplands. The पचेमलाई hills together with the जावी शिवराय and कलरयान, this is important. ये देखिए location नहीं है, दिया भी नहीं था, but still आप लोग बना लीजिएगा। Separated from कावेरी river basin in the south from the पलयार river basin in the north. The hill is named residing tribe here. तो पचामलाई यहाँ पर एक ट्राइब रहती है, उसी के नाम पर ये पड़ा हुआ है। ये सारी लोकेशन, ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन देखिए एक्सपीरियंस बेसिस पे है, विद द टाइम यू विल गेट ऑल दीज इंफॉर्मेशन, बट प्रेजेंट केस में मैं बोलूंगा राइट इट डाउन ऑन योर नोट्स एंड रिवाइज इट कंटिन्यूअसली, धीरे धीरे आपको ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन पता हो जाएंगी। बाकी इसके बाद आगे बढ़े तो दंडकारण्य जो बॉर्डर एरिया में पड़ रहा था थ्री स्टेट्स के, दैट इज हमारे हालांकि ये पार्ट में पड़ जाती है कहाँ कहाँ, झारखंड के पार्ट में, मध्य प्रदेश के पार्ट में, एज वेल एज ये पड़ जाती है छत्तीसगढ़ में। तो फिजिकल रीजन इन द ईस्ट सेंट्रल इंडिया, इट इंक्लूड्स अब जुहार हिल्स इन द वेस्ट एंड बॉर्डर्स द ईस्टर्न घाट इन द ईस्ट, इट इंक्लूड्स दीज स्टेट्स, ये स्टेट को कवर कर रहा होता है, हालांकि इस स्टेट में भी फैला है, यहाँ पर भी इसके कुछ रिमेन्स वगैरह मिल जाते हैं। स्टिल आई विल सजेस्ट यू टू गो विद दीज स्टेट्स, इस चीज को आप छोड़ भी सकते हैं हालांकि। ठीक है, देखिए इसके बाद तमिलनाडु अपलैंड्स के बारे में, द हिल रीजन इन द सेंट्रल पार्ट्स ऑफ तमिलनाडु, दिस इज बाउंडेड बाय ईस्टर्न घाट इन द ईस्ट एंड सह्याद्री इन द साउथ। तमिलनाडु प्लेन्स ऑन द ईस्ट एंड तमिलनाडु प्लेटू ऑन, सॉरी दिस इज तेलंगाना प्लेटू ऑन द नॉर्थ। क्लियर हो गया क्या चीज है, तो ये सारी लोकेशंस थी। इसके बाद लास्ट लोकेशन हमारी आ जाती है रेंज ऑफ ईस्टर्न घाट, सदर्न आंध्र प्रदेश में है। The range forms in the ages of pre-Cambrian time or the धारवाड़ बोल सकते हैं इसको, the range धारवाड़ नहीं आर्कियन बोल सकते हैं। द रेंज कंटेन्स शेल सैंडस्टोन एंड हैव मेनी लॉन्गिट्यूडिनल वैलीज। तो ये इस तरीके से हम लोगों ने पूरी लोकेशन देख ली, इसके बारे में देख लिया, बाकी मैंने आप लोगों को तरीका बता ही दिया है कि किस तरीके से आपको इसको लिखना होता है। तो थोड़ी लोकेशन ज्यादा थी, आपका लास्ट डे ऑफ डे भी था तो आप काफी अच्छे कर सकते थे। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, अगर कोई डाउट होता है टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, रेज योर डाउट्स देयर, वी विल कैच यू इन द नेक्स्ट मीटिंग। ठीक है, मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।